सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, अज आपां पंजाबी दा व्याकरण दा काम करन जा रहे हैं। इस दे विच आपां विनय पत्र करांगे। स्कूल विच देरी आउण दा कारण दसदे होए स्कूल मुखी नूं पत्र लिखना आपां ने। हाँ जी, सब तो पहला तुसी हैडिंग लिखोगे जिस नूं भी पत्र लिख रहे हो। उस तो बाद जो भी तुसी लेट क्यों होए उसका जो भी कारण है वह लिखोगे। मान लो तुसी आ रहे सी, रस्ते विच मीह पै रहा सी, भिज गए तां लेट हो गए, या फिर तुहाडे माता जी अचानक बीमार हो गए और तुहानू उहनां नूं दवाई दवानी पई, ते उस तो बाद तुसी स्कूल आए तां लेट हो गए। कोई भी कारण दसदे होए तुसी पत्र लिख सकते हो। और अखीर दे विच आपां ने अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, मिति ये लिखना। हाँ जी, शुरू करते हैं। सब तो पहला मिति लिखो 8 जुलाई 2020। उस बाद दिन बुधवार। विनय पत्र, स्कूल विच देरी नाल आउण दा कारण दसदे होए स्कूल मुखी नूं पत्र लिखो। सेवा विखे प्रिंसीपल साहिबा बाबा फ्रीद सीनियर सैकेंडरी स्कूल छत्याना। श्रीमती जी, बेनती है कि मैं आप जी दे स्कूल विच पंजवीं जमात दा विद्यार्थी हाँ। अज जदों मैं स्कूल आ रहा सी तां रस्ते विच बहुत ज़्यादा मीह पैना शुरू हो गया सी, जिस कारण मैं स्कूल विच देरी नाल पहुँचा। कृपा करके मैनू स्कूल विच आउण दी आग्ञा दित्ती जावे। मैं आप जी दा बहुत धन्नवादी होवांगा। आप जी दा आग्ञाकारी। नाम, रोल नंबर, पंजवीं जमात, मिति 8 जुलाई 2020। पत्र लिखते हुए ध्यान रखना सेवा विखे लैफ्ट साइड पर आएगा, प्रिंसीपल साहिबा बाबा फ्रीद सीनियर सैकेंडरी स्कूल छत्याना सज्जे हाथ आएगा। प्रिंसीपल साहिबा तो बाद तुसी कौमा जरूर लगाना है, स्कूल तो बाद कौमा जरूर लगाना, और छत्याना पिंड का नाम लिखने तो बाद डंडी। श्रीमती जी तो बाद कामा जरूर लगाना है। उस तो बाद पत्र लिख के अखीर दे विच लिखांगे आप जी दा आग्ञाकारी, कौमा जरूर लगाना। नाम लिख के कौमा, रोल नंबर तो बाद डंडी आएगी, जमात तो बाद डंडी आएगी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।